हेलो स्टूडेंट, मैं दीपेश केसरवानी अपने इस यूट्यूब चैनल स्टडी स्टार्स में आपको एजुकेशन से संबंधित वीडियो प्रोवाइड कराता हूं। आज हम देखने वाले हैं हिस्ट्री का क्रैश कोर्स, मतलब इतिहास का हम लोग क्रैश कोर्स स्टार्ट कर रहे हैं आज से। आज डे वन है, वही क्वेश्चन लेंगे जो एग्जाम में पूछे जाते हैं रेलवे SSC व्यापम में। तो चलिए हम लोग देखते हैं। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं सिंधु सभ्यता से, जो कि 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व के बीच थी। तो देखिए, अलग अलग बुक में अलग अलग मिल सकता है। ये 2500 के जगह 2600 हो सकता है, 2400 हो सकता है, ये 1700 के जगह 1700 भी हो सकता है, या 1750 1600 भी हो सकता है। तो जहां तक स्टैंडर्ड माना गया है 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व को, तो सिंधु सभ्यता इसी के बीच रही गई थी ऐसा माना गया है। तो आप कंफ्यूज मत होना अलग अलग बुक से। तो चलिए हम लोग देखते हैं इसमें। देखिए कैसे पता चला कि सिंधु सभ्यता इस बीच में थी, तो कार्बन डेटिंग पद्धति C14 की मदद से। ठीक है, कार्बन रेडियो कार्बन C14 की मदद से पता चला कि ये सभ्यता 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व के बीच में थी। इसके समकालीन कौन थे, मतलब सिंधु सभ्यता के समकालीन देश कौन थे जो इस समय थे, तो मिस्र, सुमेर, मेसोपोटामिया, फारस इत्यादि जो थे इस समय के समकालीन थे। सिंधु सभ्यता की खोज हुई वो 1921 में खोज हुई। सिंधु सभ्यता की खोज कब हुई, 1921 में हुई। और सर्वप्रथम क्या खोजा गया, तो हड़प्पा की खोज हुई। सर्वप्रथम हड़प्पा की खोज हुई। हड़प्पा की खोज किसने की, तो दयाराम साहनी। एग्जाम में क्वेश्चन आता है, आपको पता ही होगा। आगे हम लोग देखते हैं हड़प्पा कहाँ है, रावी नदी के तट पर पंजाब में है। कहाँ है, पंजाब में, पाकिस्तान में। पाकिस्तान के पास भी पंजाब है अपना। फिर आगे है मोहनजोदाड़ो, जिसकी खोज 1922 में हुई, और किसने की, तो राखल दास बनर्जी ने की। और ये कहाँ है, तो पाकिस्तान के सिंध प्रांत में लरकाना जिले में है। ध्यान रखना आप मेरे शब्दों को भी सुनना, लरकाना जिले में है, पाकिस्तान के सिंध प्रांत में। चलिए आगे देखते हैं, इसमें देखते हैं मोहनजोदाड़ो में क्या क्या मिला है। तो देखिए मोहनजोदाड़ो में विशाल स्नानागार, अन्नागार, कांस की नर्तकी की मूर्ति इत्यादि प्राप्त हुई है। तो देखिए विशाल स्नानागार जो है मोहनजोदाड़ो का काफी बड़ा था। उसका स्नान कुंड 11.88 मीटर लंबा और 7.01 मीटर चौड़ा तथा 2.43 मीटर गहरा था। देखिए साथ में जो लिखा हुआ है उसके साथ साथ आप मेरे बातों को भी सुनना ध्यान से, क्योंकि मैं कुछ चीजें बातों से बता दूंगा, ठीक है, और कुछ चीजें मैं आपको यहाँ स्क्रीन में बता रहा हूँ। तो आगे देखते हैं इसी में। तो देखिए उसके बाद हम लोग कालीबंगन देखते हैं। कालीबंगन है राजस्थान, मतलब भारत में। और यहाँ से क्या मिले, जूते हुए खेत मिले और अग्निकुंड मिले हैं। और इसके अलावा लोथल देखते हैं। लोथल में देखिए गुजरात में है लोथल, और लोथल और रंगपुर से चावल के दाने मिले हैं। लोथल और रंगपुर दोनों गुजरात में है। इसके अलावा धौलीवीरा, सुतकोद्दा, ये सारे गुजरात में है। तो आगे ही देखते हैं, लोथल और सुतकोद्दा जो है इस सभ्यता के बंदरगाह थे, ये भी गुजरात में है। लोथल भी गुजरात में और धौलीवीरा और रंगपुर भी गुजरात में है। तो आगे देखते हैं अग्निकुंड भी मिले हैं कहाँ से, लोथल से। सिंधु सभ्यता के लोग कपास उगाने वाले संसार के सर्वप्रथम लोग थे। ये क्वेश्चन आता है एग्जाम में, आप उसको ध्यान रखना, कपास उगाने वाले संसार के सर्वप्रथम लोग थे। इन्हें लोहे का ज्ञान नहीं था। सिंधु सभ्यता या सिंधा सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता, तीनों नाम से जाना जाता है सिंधु सभ्यता को, इन्हें लोहे का ज्ञान नहीं था। और इस सभ्यता के घरों का विन्यास ग्रिड पद्धति में था। ये जो क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, हमेशा पूछा जाता है कि सिंधु सभ्यता के घर कैसी थी, तो ग्रिड पद्धति में थी। वहां की सड़कें जो थी एक दूसरे को समकोण में काटती थी, ये सारे चीजें एग्जाम में पूछे जाते हैं। आगे देखते हैं इसी में, मातृ देवी, धरती माता और पशुपति नाथ की पूजा प्रमुख थी इनके समय में। जो मातृ देवी है उन्हें उर्वरा की देवी भी कहा जाता था, इनकी पूजा इनके लिए प्रमुख थी। इसके अलावा अन्य पूजा भी थी, जैसे इसके अलावा वृक्षों की भी पूजा करते थे, पक्षियों की भी पूजा करते थे, कुबड़ वाला सांड की भी पूजा करते थे, जल अग्नि इत्यादि की भी पूजा करते थे। इनका मुख्य फसल था गेहूं और जौ। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया एग्जाम में, तो आप इसको भी ध्यान में रखें। फिर आगे देखते हैं सिंधु समाज, मतलब सिंधु सभ्यता या फिर हड़प्पा सभ्यता क्या थी, मात्र सत्तात्मक थी। मात्र सत्तात्मक कहने का मतलब क्या है, वहाँ स्त्रियों की दशा काफी अच्छी थी और स्त्रियां पूजनीय थी, पुरुषों के समान इन्हें भी सम्मान दिया जाता था और अहम फैसलों में स्त्रियों की भागीदारी प्रमुख थी। सिंधु सभ्यता वाले मिठास के लिए शहद का उपयोग करते थे,
ये भी ध्यान रखना है, मिठास के लिए वो क्या यूज करते थे। फिर आगे देखते हैं, सिंधु सभ्यता में सूती और ऊनी वस्त्रों का प्रयोग होता था। एग्जाम में ये भी क्वेश्चन बनता है। इस सभ्यता को कांस्य युग में रखा गया है, तो सिंधु सभ्यता को प्राग ऐतिहासिक अथवा कांस्य युग में रखा गया है, ये आपको ध्यान में रखना है, प्राग ऐतिहासिक या कांस्य युग में। फिर आगे देखते हैं, कालीबंगन। कालीबंगन हमने देखा था जो कि पहले राजस्थान में है, उसका कालीबंगन का मतलब क्या होता है, काली चूड़िया से है। और मोहनजोदड़ो, मोहनजोदड़ो का मतलब मृतकों का टीला होता है, ये सिंधी भाषा में होता है, ये आपको ध्यान रखना है। आगे हम लोग देखते हैं, मनोरंजन के लिए सिंधु सभ्यता वाले क्या करते थे, शिकार करते थे या पशु पक्षियों को आपस में लड़वाते थे, इस तरह के काम करके वो मनोरंजन करते थे। सिंधु सभ्यता की लिपि भावचित्रात्मक है, और इनकी लिपि क्या है अभी तक पढ़ी नहीं गई है, तो इस वीडियो में यहीं तक रखते हैं। जो बच गया है सिंधु सभ्यता से क्वेश्चन, उसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में ले लेंगे। तो आपको ये वीडियो समझ में आया या आपको वीडियो पसंद आया तो आप वीडियो को लाइक कर लें, और अगर कोई नया स्टूडेंट इस चैनल में आया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम लोग इतिहास का क्रैश कोर्स कर रहे हैं, तो आगे आपको बहुत सारे वीडियो मिलेंगे हिस्ट्री से संबंधित। और अगर कोई स्टूडेंट हमारे टेलीग्राम चैनल में ज्वाइन करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है, वहां से ज्वाइन कर सकते हैं।